वैलिकम दोस्तों वेलकम टू जॉब है दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आज की इस वीडियो में आपका अनाउंस आने वाली पाक आर्मी की जॉब्स के बारे में बताऊंगी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में अपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंटर देना है ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट में स्किप ना हो जाए यही तो दोस्तों पाक आर्मी में जॉब्स अनाउंस हुई है इसमें जो है कैप्टन और मेजर के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसमें जो है मेजो हुई में दोनों अप्लाई कर सकते हैं न्यू ईयर की जो है वैकेंसी है तो इसमें आपको बताते चलें इसमें आप लोग जो है कैसे अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो डायरेक्टली चलते हमारी वेबसाइट जॉब पेज पर आपने आ जाना है गूगल पर आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब पेज और लिंक जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको जो है पाक आर्मी की पोस्ट नज़र आएगी आपने उस पोस्ट को ओपन करके रीड कर लेना है जब आप उस पोस्ट को रीड कर लेंगे वहाँ पर आपको उसका एड मिलेगा तो सबसे पहले जो है मैं की जो है इनफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हो इसमें जो है कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और इसमें जो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बता दीजिए चलो इसमें जो ये पहली पोस्ट में आपको दिखा रही हूँ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है जीटीएमसी की इसमें जो है आप लोग एज़ अ कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं मेज और फी में दोनों अप्लाई करेंगी और इसकी जो है क्वालिफिकेशन आपके पास जो है एम डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो है अगर आपकी एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी एज इमिट जो है ट्वेंटी एट आपकी होनी चाहिए फर्स्ट मई टू तक और इसके अलावा जो है आपको थर्टी फाइव ईयर्स पर जो है अट्ठाईस से लेकर जो है आपको लोग पैंतीस साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है नेक्स्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पर जो है क्लासीफाइड स्पेशलिस्ट की पोस्ट है एज अ मेजर की पोस्ट है और इसमें जो है मेज और फीमे दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी जो है कुछ और यहाँ पर कैटेगरीज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सर्जन की भी है और उसके अलावा जो है पैथोलॉजी की भी है तो इसमें जो है यहाँ पर इन कंडीशन को आपने फिर रिट कर लेना है आपने जिस पर जो है आपने यहाँ पर कैटेगरी में अप्लाई करना है तो इसका भी जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज मेड का क्राइटेरिया सेम है यहाँ तो पर जो है सब स्पेशलिस्ट की पोस्ट है इसमें जो है आपको बता दी चले मेज और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ और जो है यहाँ पर इसकी कैटेगरीज है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि कार्डियोलॉजी है क्रिटिकल केयर मेडिसन है क्लिनिकल हीम है और उसके अलावा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है तो आपने इसको रीड कर लेना है एम बी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए उसके अलावा जो है अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन थर्टी टू आपको यहाँ पर जो है थर्टी से लेकर आप लोग जो है इसमें फोटी ईयर्स तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट जो है सब स्पेशलिस्ट की है इसमें जो है एज मेजर आप लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है मेल्स ऑफी में दोनों अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन का उसके अलावा जो है एज का क्राइटेरिया सेम है सब स्पेशलिस्ट की पोस्ट है एज ए मेजर आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे मेल्स ऑफी में दोनों तो इसमें जो है यहाँ पर इसकी जो है सर्जरी की जो है यहाँ पर आपको बताई गई हैं इसमें जो कैटेगरी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं न्यूरो सर्जरी है उसके अलावा जो है यहाँ पर यूरोलॉजी था यहाँ पर जो है मेज ऑफी में दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है क्वालिफिकेशन और इसके अलावा एजी एम का क्राइटेरिया यहाँ पर आपको सेम है तो यहाँ पर जो है सब स्पेशलिस्ट की पोस्ट है इसमें जो है आप लोग अप्लाई करेंगे एज अ मेजर अप्लाई करेंगे मेज ऑफी में दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है ये जो है एज अ कैप्टन अप्लाई करेंगे इसमें जस्ट मेज अपलाई अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है लास्ट जो पोस्ट है वो आपको बताते चले इसमें जो है क्लासीवर्ड स्पेशलिस्ट की पोस्ट है इसमें जो है एज अ मेजर आप लोग अप्लाई करेंगे और इसमें जस्ट मेज अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बताते चले कि इसका जो है नेक्स्ट आपको बताते चलें कि इसमें जो है ये तो इसकी जो है यहाँ पर कैटेगरी थी उसकी क्वालिफ़िकेशन थी और इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया था अब आपको बताते चलें कि आप लोग जो है इसमें आप लोगों ने जो है अप्लाई कैसे करना है और इसमें जो है कौन सी कंडीशन हैं तो इन जी बी कंडीशन आपको बताते चलें कि इसमें जो है कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो आपको बताते चले आपने यहाँ पर रीड कर लेना है जो लोग दो दफ़ा जो है आई से रिजेक्ट हो चुके हैं या जो मेडिकली अनफिट हैं या जिनका जो है कोई आपका जो है कोई कोर्स अगर आपका जो है आपका जो है कोई कोर्ट आप कोर्ट में आपका जो है अगर आप कोई केस चल रहा है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप लोगों ने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन इस की जो डेट है वो जो है चार आपको बताते चले हैं चार जनवरी से आपके जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी आप लोगों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जयरप्रेड जॉइ पाक आर्मी डॉट कॉम डॉट पी की यहाँ से आप लोग जो है इनमें ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी लेकिन आप लोगों ने जो है इसमें अभी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है इसमें जो आप लोगों ने अभी से अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पर आपको बताते चले कि आप लोगों जो है इसमें रिटर्न टेस्ट कब होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट आपके जो है यहाँ पर बताते चलें तो आपको यहाँ पर जो है आपके ट्वेल्थ फरबरी को आपके जो है यहाँ पर आपके टेस्ट होंगे तो यहाँ, आपके, आपके तो, हो यहाँ तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है आपके फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर आपने इसको रीड कर लेना है और उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मीन आपके जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा तो आपको जो है इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे इसके अलावा जो है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी जो है मिनिमम हाइट मेल्स की जो है फाइव होनी चाहिए की जो है यहाँ पर आपको बताते चले कि फाइव होनी चाहिए तो इसमें जो है आपका वेट जो है बीएमआई के मुताबिक होनी चाहिए और तो उसमें जो